जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है, और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ये सरकार कैसे चलाएंगे जब एक पार्टी नहीं चल सकती? अब मैं एक शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं, एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।